Hello everyone, how are you? Well guys, in this video I'm going to give my review of the movie Gang of Wasseypur 2. I have already made a video on Gang of Wasseypur part 1. This is part 2. But before that, welcome you all to my channel. Gang of Wasseypur 2 is all about revenge and revenge. You know, it's like sabka badla dunga, hey, dada ka, maa, bhai ka, pita ka, and all. So, oh my god, so much of violence. I mean, abusive words, love, sex, romance, and it's a complete package movie. This is one of the greatest movie of Bollywood. Well, I do agree, this movie comprises so much of violence, so much of abusive words, but this is a demand of the story. If you're fighting with someone, it is something supposed to be like tum gaali de dete ho, tumko koi kehta nahi ki tum gaali do, lekin nikal jata hai yaar. Situation aisi hoti hai, situation tense hoti hai. और इस गाने, इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो सॉन्ग्स है, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो स्टोरी को एक पुश देते हैं, एक स्टोरी के साथ चलते हैं, स्टोरी के साथ गाना भी ऐसा है कि स्टोरी को एक लाइक हाँ एसोसिएट कर पाओगे और एसोसिएट करता भी है इस मूवी में, राइट। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग और इफ़ आई विल से Part 2 is out and out Nawazuddin Siddiqui movie. Well, it's not right to totally give out and out. I mean, 80% of, even the most of the time you will see on the screen Nawazuddin Siddiqui. The things are revolving around Nawazuddin Siddiqui. As like Rajkumar Rao, Piyush Mishra and all, Richard Chadha, Huma Qureshi and all, no doubt they are also played a crucial role in this movie. But ek jo revenge wala chakkar tha, aur jo apne father ka jo death hota hai, uske brother ki death ho jati hai, उसके भाई की वाइफ को मर्डर हो जाती है, तो रामधीर सिंह से उसकी बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट में भी थी वही रिवेंज जिसमें भी चलता है, एंड फाइनली क्लाइमैक्स में ये, आई डोंट वांट टू गिव अ स्पॉइलर राइट नाउ, आई वांट टू एलिबरेट मोर अबाउट दिस मूवी। तो मूवी स्टार्ट होती है वहाँ से, जब फर्स्ट पार्ट में वो जाता है ना पेट्रोल पम्प, तो फिर पेट्रोल तो फिर पेट्रोल ऑन हिज कार, तो वहाँ से वो स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे वो सब उसको वहाँ पे उसकी मौत, सरदार खान की मौत हो जाती है, फिर इसकी जो वाइफ बोलते हैं यार तेरे अंदर कुछ, तेरे खून कब खोलेगा बे, तेरा खून कब खोलेगा, फिर उसको बहुत गुस्सा आता है, उसके जो एक फ्रेंड होता है फैज़ल होता है, वो उसको बहुत धोखा देता है, तो उसको सबसे पहले वो उसको मारता है, धीरे 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 उसकी ना एक अच्छा खासा इम्पैक्ट उसकी सोसाइटी में जाता है, सब उससे डरते हैं, बहुत सारी बिजनेसेस करता है, दिस दैट बहुत, बट यू विल फाइंड एवरीथिंग इन दिस मूवी, लव, रोमांस, सेक्स, फाइटिंग, क्लास, बिट्रेयल, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दिस मूवी। परफॉर्मेंस भी बहुत, ये मूवी, ये सेकेंड पार्ट इज़ लिटिल मोर इंटेंस एज फॉर एज पार्ट वन इज़ कन, पार्ट वन में रोमांस कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा भी डोमिनेट कर रहा था, लेकिन इसमें रोमांस में इसको उतना ज़्यादा चक्कर नहीं है, तो इसमें ज़्यादा ये पार्ट ज़्यादा इंटेंस है। सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे, मैंने ऑलरेडी बोला सॉन्ग्स मूवी को सपोर्ट करता है, एक कॉम्प्लीमेंट देता है, तो एक कहीं ना कहीं सॉन्ग्स भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इस मूवी में। ऐसे दिस इज़ आल्सो डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, राइट, एंड अनुराग कश्यप ने एक और मूवी डायरेक्ट किया था बॉम्बे वेले, दैट वाज हॉरिबल। तो ये मूवी तुम देखा, अगर तुमने फर्स्ट पार्ट देखा है तो ये मूवी यू मस्ट हैव टू, आई मीन यू कांट बी इवन थिंक टू स्किप दिस मूवी, दिस पार्ट, आई डोंट थिंक सो, इफ़ यू विल नॉट वॉच दिस मूवी एंड यू विल जस्ट वॉच पार्ट वन ऑफ इट,
this is totally injustice with this movie, because as long Bahubali part 1 क्यों कटअप मैंने बाहुबली को क्यों मारा, तो पार्ट टू देखा तभी तेरे को पता चला कि उसने क्यों मारा. तो तेरे को भी देखना पड़ेगा कि इस मूवी में ऐसा क्यों क्या चल रहा था, कैसे वो रिवेंज लेता है एंड ऑल. तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर, और सबका एक बबुआ होता है. आई मीन वो क्या होता है, उसका सरदार खान का चौथा बेटा होता है, राइट, चौथा पाँचवा ऐसे बेटा होता है. तो उसका भी रोल बहुत अच्छा है. और एक होता है डेफिनेट नेम है, आई नो दिस मीनिंग ऑफ डेफिनेट मीन सर रिहान सिंह. तो एक डेफिनेट भी एक करेक्टर है जो सरदार खान की सेकेंड वाइफ का बेटा होता है, तो उसका भी बहुत क्रूशियल रोल है इस मूवी में. सो जैसे मोनालिसा नहीं है, कम ऑन, व्हाट द फक. जैसे मैंने बोला इस मूवी में, दिस मूवी इज आउट एंड आउट नवाजुद्दीन सिद्दीकी मूवी, नो डाउट. उसका जो इस मूवी में जो कैरेक्टर है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड ओनली नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑन स्क्रीन, नो डाउट. लेकिन और अदर जितने भी बंदे हैं जो भी उस कैरेक्टर में है, जो ऐसा से लाइक डेफिनेट हो गया, बउआ हो गया, उसके साथ जो बंदे होते हैं, सबका इक्वली क्रूशियल रोल है, राइट. विजय चड्डा वंस अगेन डिड वेरी गुड. हुमा कुरैशी, मतलब सबका कैरेक्टर, you will not find a single character you will like, what the hell is this, he or she is not good. No, I didn't find a single person who did wrong, you know, in this movie. I, according to me, it could be possible that you will like, no, yeah, you are wrong. It's totally, you know, I can't bound you, no, you are wrong, this or that. This is the story altogether. I liked this movie. This movie is also around 2 hours 40 minutes, right? So it's a 5-hour movie if you watch part 1 and part. But the thing is, like, yeah, tum bologe 2 hours 45 minutes, very long movie, but tereko feel nahi hoga, tereko realize nahi hoga, kyunki ye movie bahut engaging movie hai. Tereko aisa lagega yaar, matlab ki 2 ghanta 40 minute kaise spend ho jata, tereko pata nahi chalta. Bahut hi ग्रिपिंग स्क्रिप्ट है. जब स्क्रिप्ट अच्छा हो तो परफॉर्मेंसेस भी निकल के आती है. बहुत सारी मूवीज़ ऐसे होती हैं जिसमें कोई स्ट्रीम, जैसे दबंग थ्री इज़ द मोस्ट हॉरर मूवी टिल नाउ ऑन बॉलीवुड, राइट. सो बॉलीवुड में दबंग थ्री एक बहुत ही लाइक कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, कुछ स्टोरी नहीं है, कुछ भी, जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान खान दबंग थ्री इज़ गोइंग टू बी रॉक ऑन, नो डाउट. जस्ट बिकॉज सलमान खान हैज़ ह्यूज फैन फॉलोइंग. अगर उसको कोई मूवी पसंद भी नहीं आया तो इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है कि बंदे आते हैं, उससे ही 200-300 करोड़ की उसकी अर्निंग हो जाती है. ये बहुत ऑब्वियस है, जो कि और दूसरे एक्टर्स और दूसरे की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं होती है. तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है. अब ऐसे नहीं है कि इस मूवी की 300 करोड़ 400 करोड़ कोई नहीं, क्योंकि जो बंदे थे उतने नोन फेस नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से. इस मूवी से उसको पॉपुलैरिटी मिली थी, उससे पहले इसको कोई जानता भी नहीं था. अब कोई जानता ही नहीं है तो यार ऐसे ये होता है, एक साइकोलॉजिकली दिमाग में आता है यार व्हाट द हेल, आई डोंट नो दिस पर्सन. हम जब पैसा स्पेंड करते हैं मूवी टिकट में, तो वी मेक श्योर कि वी आर गोइंग टू पुट ऑन राइट स्टफ, राइट. सो दिस इज़ द थिंग्स हैपन्स विद दिस मूवी एज वेल. तो बहुत लोग नहीं भी देखे होंगे, लाइक सलमान खान शाहरुख खान, तो यार ये भी हो जाता है. तो एक नॉन फेस होने से भी मूवी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ती है. तो इसकी अर्निंग भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन दिस मूवी इज़ अ वेरी गुड मूवी एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न, स्टोरी वाइज कंसर्न. Overall, this is a very good movie. I mean, you will find everything in this movie, right? For me, I would like to rate 4.5 out of 5 because I really liked it, and all the characters have did his or her role in a very decent way, right? According to me. So this is me signing off from this video. Have a great day, take care of yourself, and of course once again I would like to remind you all, stay safe. Just you need to maintain sanitation, thoda sa public gathering avoid karo, or
nothing else. We just no need to do panic, no need to do panic buying or all this stuff just because hey, corona, you are doing this or that. This is moron, bullshit, nonsense. I don't need to do it. If you're doing this, then stop doing this. This is all. This is me signing off from this. Have a great day.